तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है टॉप 50 मिक्स जीके। पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? आंसर आएगा सेलुकस। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? आंसर होगा विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आंसर होगा बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? आंसर होगा पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में थे? आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? आंसर होगा कुषाण वंश का। अगला है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? आंसर होगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर होगा इंदिरा गांधी, जिसे मिला था 1971 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? आंसर होगा केरल राज्य में, वो भी जून के प्रथम सप्ताह में आता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? आंसर होगा बोधगया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर होगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? आंसर होगा चीन। अगला है, सौर प्रणाली का खोजकर्ता कौन थे? आंसर होगा कॉपरनिकस। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर होगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग होता है? आंसर होगा मधुमेह के इलाज में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? आंसर होगा मासिनराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर होगा रजिया सुल्तान बेगम। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा जॉन लोगी बेअर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? आंसर होगा अमृतसर, जो कि 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर होगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? आंसर होगा गलफरा की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर होगा संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? आंसर होगा 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आंसर होगा गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? आंसर होगा कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? होगा आंसर अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था?
आंसर होगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमाओं वाला देश कौन सा है? आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर होगा महर्षि वेद व्यास जी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? आंसर होगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर होगा केरल का। अगला क्वेश्चन होगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर होगा गुरुमुखी लिपि में। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल RR मास्टरमाइंड क्लासेस को सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। थैंक यू।